सिरोही में भी बिपरजॉय तूफान ने जमकर कहर बरपाया, लेकिन तीन दिनों की भारी बारिश के बाद अब बारिश का दौर थम गया है। तो वहीं रेवदर की अगर बात करें तो तीन दिनों तक जोरदार बारिश यहां भी नजर आई। तीन दिनों से चक्रवाती तूफान के चलते नदी नाले उफान पर आ गए। इसकी वजह से रेवदर, जीरावला बांध, टोकरा, बुतड़ी बांध ओवरफ्लो हो गए और सबसे बड़े सुकली सिलवाड़ा बांध में भी लगातार पानी की आवक जारी है। इसी के साथ सिरोही जिले के प्रभारी मंत्री महेंद्र चौधरी ने रेवदर पहुंचकर नुकसान का जायजा लिया और टोकरा बांध के ओवरफ्लो होने पर बांध का निरीक्षण भी किया। इस दौरान ग्रामीणों ने अपनी विभिन्न समस्याओं को लेकर प्रभारी मंत्री महेंद्र चौधरी को अवगत करवाया, ज्ञापन सौंपा। इसके बाद मंत्री ने अधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश दिए। तो वहीं इस निरीक्षण के दौरान जिला कलेक्टर डॉक्टर भवरलाल, तहसीलदार सहित प्रशासनिक अधिकारी मौजूद रहे। बिपरजॉय चक्रवात के दौरान पिछले 48 घंटों में तहसील क्षेत्र रेवदर में कुल 398 mm बारिश हुई। इस अवधि में हमें जिला प्रशासन से और श्रीमान जिला कलेक्टर महोदय से जो निर्देश प्राप्त हुए उसके अनुसार हमने लोगों को जागरूक करते हुए पूर्णतया सतर्क और सावधानी बरतने का प्रयास किया है। अधिकतर जगहों पर जो बांध है वो पानी से लगभग ओवरफ्लो चल रहे हैं। तो चलिए बिपरजॉय पर आपको लेटेस्ट अपडेट देते हैं। हमारे सहयोगी अशोक श्वेरा और साथ ही सहयोगी लूणाराम दर्जी हमारे साथ लाइव जुड़ चुके हैं। सबसे पहले लूणाराम, आप ही का रुख करते हैं। जालौर में जमकर कहर बरपाया, लेकिन अब जब कहा जा सकता है कि बिपरजॉय का असर वहां से हट रहा है, तो अब जो स्थितियां हैं वो सभी के सामने आ रही है, नुकसान को लेकर के, लोगों के फंसे होने को लेकर। फिलहाल इस समय 7 बजे के समय किस तरह की परिस्थितियां जालौर में? जिस तरीके से देखें कि पहले तूफान ने कहर मचाया और उसके बाद बाढ़ के जो हालात बने और बाढ़ के पानी ने जिस तरीके से जो कहर बरपाया है जालौर में, अलग अलग तहसीलें और तमाम जो गांव हैं जहां पर बाढ़ के हालात हैं वो अभी भी बने हुए हैं। लेकिन राहत की बात यह है कि पिछले 2 दिनों से बारिश है वो थम चुकी है और ऐसे में मौसम साफ है, जिसके चलते एक बड़ी राहत है वो जिला प्रशासन और आम लोगों के लिए भी बड़ी राहत मानी जा रही है। और ऐसे ही मौसम साफ रहता है तो 2-4 दिनों में जिस तरीके से जनजीवन है वो पटरी पे लौट सकता है। दूसरी ओर देखा जाए कि NDRF और SDRF की टीमों ने आओर और भादराजून के इलाके में आज रेस्क्यू किया है और जो लोग जिस तरीके से नदी के बहाव क्षेत्र में या पानी के बीचों बीच फंसे हुए थे उन्हें रेस्क्यू सफलतापूर्वक सुरक्षित रूप से उन्हें निकाल दिया गया। लगातार कलेक्टर खुद जो निशांत जैन है वो लगातार खुद मॉनिटरिंग कर रहे हैं। और इसके साथ ही बड़ा अपडेट ये भी है कि जिस तरीके से तूफान के चलते जो जालौर में नुकसान हुआ है और ज़्यादातर जो नुकसान हुआ है सांचौर और आसपास के इलाके में जहाँ पर तूफान ने जिस तरीके से कहर बरपाया है उसको लेकर, मुआवजे को लेकर कलेक्टर ने जो निर्देश दिए तहसीलदारों को, उसको लेकर जो सर्वे रिपोर्टें हैं वो तैयार होनी शुरू हो गई है, तो एक राहत की खबर कह सकते हैं। दूसरी ओर जो सांचौर का जो मुख्य बाजार और तमाम जो जलमग्न हो गए थे वहाँ से पानी की निकासी हुई है, जिसके चलते आज बाजार खुले हैं और बाजार खुलने के साथ ही जो सामान खराब हो गया, लाखों करोड़ों रुपए का जो नुकसान हुआ व्यापारियों को, जो सामान खराब हो गया था उसे निकाल दिया गया और आज वापिस जो बाजार है उनमें कुछ रौनक है। जो आपदा थी उसको रोकना पॉसिबल नहीं था लेकिन प्रबंधन करना पॉसिबल था। मुख्यमंत्री भी कल पहुंचेंगे और जायजा लेंगे। एक बार बाड़मेर का रुख करते हैं, सहयोगी अशोक श्वेरा वहां से लाइव जुड़े हुए हैं। अशोक, आपके क्षेत्र का क्या हाल है, क्योंकि बिपरजॉय का असर वहां पर भी नजर आया लेकिन अब जब राहत की बात आई है मुख्यमंत्री भी पहुंचेंगे, जायजा भी लेंगे, फिलहाल किस तरह की स्थितियां वहां पर? देखिए, अगर मैं बिपरजॉय तूफान से जुड़ी बाड़मेर के बारे में बात करें तो बाड़मेर में आज जो एक ऐसा दिन है, पिछले 4-5 दिनों की बात करें तो आज बाड़मेर में बारिश नहीं हुई है। हालांकि कल शाम को बाड़मेर में तेज आंधी और बारिश हुई थी। और अगर बात बाड़मेर से बिपरजॉय तूफान के नुकसान की बात करें तो यहाँ पर 4 मासूम बच्चों सहित कुल 5 लोगों की है पानी के गड्ढों में डूबने से मौत भी हुई है। आज संभागीय आयुक्त केशी मीणा और बाड़मेर के जिला कलेक्टर अरुण कुमार पुरोहित ने जिले भर के अलग अलग क्षेत्रों में जाकर दौरा भी किया है, जायजा भी लिया है। और इसी के चलते मुख्यमंत्री अशोक गहलोत, बड़ी अपडेट दूँ कि 20 और 21 जून को जो है वो जोधपुर संभाग के सभी जिलों का दौरे पर रहेंगे। उनके दूसरे जो कार्यक्रम थे वो कार्यक्रम स्थगित कर दिए गए हैं। तो ये अपने आप में कहीं ना कहीं अगर बात करें तो बाड़मेर के सीमावर्ती जो क्षेत्र हैं, चाहे धनाऊ की बात करें, सेड़वा की बात करें या फिर चौटन क्षेत्र की बात करें या इस तरफ अगर सिवाना की बात करें या संदड़ी के आसपास के क्षेत्रों की, तो यहाँ पर जल भराव जैसी स्थितियां बन चुकी है। जिले के दर्जनों से अधिक ऐसे गाँव हैं जहाँ पर जो कहीं ढाणियां हैं वो टापू बन चुकी है, चारों ओर से पानी फैल चुका है। लगातार जो है प्रशासन ये अपील भी कर रहे हैं कि जिस तरीके से 4 मासूम बच्चों के गड्ढों में डूबने से मौत हुई है तो उसके बाद से अपील भी कर रहे हैं कि लोग जल भराव जैसे क्षेत्र हैं वहां से दूर रहें। बिल्कुल, तो देखिए स्थितियां अभी एक बार बैक टू नॉर्मल होने में समय लगेगा। आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया पूरी जानकारी।